ये दोस्तों हमारे साथ में है काव्या कश्यप, जिन्होंने डेब्यू किया है। फिल्म का नाम है बिफोर यू डाई। व्हाट डू यू वांट टू से, आपको क्या कहना है? ये डेब्यू फिल्म है, हाँ, बॉलीवुड में डेब्यू हुआ है। यही कहना है कि प्लीज़ 18 फरवरी को हमारा फिल्म रिलीज़ हो रहा है, आप लोग प्लीज़ जाइए देखिए, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, हम लोग बहुत मेहनत किए, पूरे टीम ने बहुत मेहनत किया है, और आशीर्वाद कीजिए जाते हम आगे बढ़ सकें। ओके, कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहोगी, कैसी कहानी रहेगी इस फिल्म? कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते, फिर देखेगा कौन। सो यही है कि कैंसर अवेयरनेस का टॉपिक है फिल्म का, आप क्या किरदार निभा रहे? मैं एज अ लीड में हूँ जिसको कैंसर होता है, और इसका मैसेज यही है कि किसी के घर में अगर कैंसर पेशेंट है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, बस यही, इसी को लेके कहानी है, और थोड़ा सा लव स्टोरी है, थोड़ा सा फाइट है, थोड़ा सा ड्रामा है, ओवरऑल एंटरटेनमेंट पैकेज भी बनाया है, एक मैसेज भी दिया है इस फिल्म के। इस फिल्म में डेब्यू करने से पहले आपने पहले का क्या काम किया? जी मैं वोडाफोन सखी का TVC की हूँ, और जो कि मैं कोलकाता से हूँ, तो बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। एक्सेंट में थोड़ा थोड़ा, हाँ बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और इससे पहले भी कोलकाता में बहुत सारा काम किया है, जैसे वेब सीरीज हुआ, होइचोई है उत्तरोन बोल के, फिर Z5 में लाल बाजार बोल के है, उन सब में करते रहे। आपने वो काम करके इस बार आपका है डेब्यू बॉलीवुड में, आप पब्लिक को क्या कहना चाहोगे? यही कि आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, जो जिससे हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू। मैंने कुछ फुटेजेस देखे, आपका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत लाजवाब है, इट इज़ डिफरेंट, और जो कुछ एक एंड सीन भी देखा मैंने, दैट इज़ लाइक टेरिफिक, गूज बम्स दिए आपके एक्टिंग में और आपके एक्सप्रेशन। एंड मैं, हम पूरे बॉलीवुड प्रेमी की टीम की तरफ से आपको बधाई देंगे, गुड विशेस देंगे। 18 को फिल्म रिलीज हो रही है दोस्तों, जाइए देखिए। काव्या कश्यप ने डेब्यू किया है बॉलीवुड में, भूलिएगा मत। थैंक यू। हम वापस आएंगे आपके पास मैम।